हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। मैं दोस्तों बिहार एसआई के लिए मैं शॉर्ट नोट्स लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं शॉर्ट नोट्स जो वीडियो है दोस्तों, आप है जो मेरा दो वीडियो आप देखिए, वो बहुत अच्छा वीडियो है, आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो होगा। आप एक बार जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। और मैं तीसरा वीडियो है, मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का चालू कर दिया हूँ। ज्योग्राफी का है दूसरा वीडियो है, और दो तीन वीडियो में ज्योग्राफी पूरा ख़त्म कर देंगे और दो तीन वीडियो में पॉलिटी ख़त्म कर देंगे। तो और दोस्तों, मैं बीपीएससी जो मेरे जो सब्सक्राइबर बीपीएससी के हैं उनको लिए मैं कहता हूँ कि मैं 15-20 दिन के बाद मैं बीपीएससी का भी हैंड रिटर्न चालू कर दूंगा, लेकिन अभी बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि आप एसआई क्या बनाइए, तो इसीलिए मैं एसआई का थोड़ा चालू कर दिया हूँ। तो दोस्तों यही है कि आप लोग है जो अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए, वही है जो पैमाना होता है कि आपने वीडियो जो बना रहा है जो इफेक्टिव है कि नहीं है। जो तो आप इसी तरह है जो आप मेरे साथ चलिए, और मेरा जो 80 क्वेश्चन का जो टारगेट है, 80 क्वेश्चन जो लड़ा देना है, मैं 100% लड़ा दूंगा। ये तीन चार सेक्शन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है जो नहीं आएगा। आप वीडियो को एक लगातार देखते चलिए, और शॉर्ट बनाता हूँ मैं, पूरा नहीं लिखता हूँ मैं, जो क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है उसी को मैं है जो आपके सामने रखता हूँ। चलिए दोस्तों, समय को बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, जो आप लोग का रिजल्ट जनवरी में भी आ जाएगा, तो इसीलिए मैं दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि एसआई में जो क्वेश्चन का डिमांड जो आ रहा है एनसीईआरटी से रिलेटेड आ रहा है। पहले क्या था कि लुसेंट से आता था, अब एनसीईआरटी बेस्ट हो गया, इसलिए थोड़ा एनसीईआरटी को जोड़ना, जोड़ के ही पढ़ना आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए मैं दोस्तों है जो मैं इसको चालू किया। देखिए दोस्तों, एक बिहार जो है भारत का मैप है, इस मैप के जरिए मैं जो क्वेश्चंस पूछा गया उसको मैं दोस्तों, यहाँ है जो आपका अरब सागर है, इधर है जो आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों बंगाल की खाड़ी से आता है, ज़्यादातर कुछ क्वेश्चंस है जो अरब सागर से जो आता है, जो लक्षद्वीप है वहाँ से आता है। मैं उसको आगे एक छोटा वीडियो, छोटा जो मैं कटिंग करके रखा हूँ उसको मैं बता दूंगा दोस्तों। यहाँ से जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार से जो क्वेश्चन है बहुत आता है। देखिए दोस्तों, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, आप है जो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर है जो इसका क्या क्रम है। तो उत्तरी अंडमान जो होता है दोस्तों, ये है जो सबसे बड़ा, जो अंडमान निकोबार का जो सबसे ऊंचा जो है पीक है, जो सैंडल पीक है, ये कहाँ पर है पूछ देता है कि सैंडल पीक कहाँ है, तो आपको उत्तरी अंडमान में मारना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मध्य अंडमान, अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान है जो सबसे बड़ा है। उसके बाद है दोस्तों कि जो दक्षिण अंडमान है वहाँ है जो, वहाँ की जो राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो 10 डिग्री चैनल है उसको है जो बांटता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे ऊंचा पर्वत जो है सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है वहाँ का, दक्षिण अंडमान में वहाँ की राजधानी है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है जो पास करता है। आपको यहाँ दोस्तों है कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, तो 8 और 9 डिग्री है जो आपका अरब सागर वाला जो एरिया है उसमें है, जो बताएंगे आगे उसमें कैसे कैसे है जो बटा हुआ है। आपका जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो आप इसको भी है जो यहाँ देख लीजिए। ये पूरा अंडमान निकोबार को दोस्तों मरकत द्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, मरकत द्वीप कहते हैं, तो ये भी है जो एक क्वेश्चन है, मरकत द्वीप कहते हैं। ये पूरा बंगाल की खाड़ी है दोस्तों यहाँ पर, और बंगाल की खाड़ी में भी क्वेश्चन जो आता है, निमूर द्वीप कहाँ है, गंगा सागर कहाँ है, तो ये सब क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप है जो बंगाल की खाड़ी को भी आप है जो यहाँ पर थोड़ा दर्शा दिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा निमूर द्वीप, गंगा सागर द्वीप आप है जो यहाँ पर। और ये है दोस्तों कोको द्वीप, जो म्यांमार का जो एरिया है, म्यांमार का जो एरिया है वो है जो यहाँ कोको द्वीप है, आप इसको है जो जोर के पढ़िएगा इसको, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बन जाएगा, आप है जो ध्यान से एकदम देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका है जो बन जाएगा। तो आप यहाँ से चलने के बाद बीच बीच भारत के बीचे बीच है जो दोस्तों कर्क रेखा गुजरी है,
जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरी है, ये आप है जो मैप के जरिए भी देख सकते हैं कहाँ से है, राजस्थान से लेके मिजोरम तक, त्रिपुरा मिजोरम, तो आप है जो उसको है जो एक बार मैप में देख लीजिएगा। यहाँ शॉर्ट बता रहे हैं कि आपको है सिर्फ ध्यान रहे। फिर देशांतर जो है, 50 देशांतर के बारे में बता दिए थे पिछले लेक्चर में, तो 5 राज्यों से है जो अपना देशांतर रेखा गुजरी है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यह है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 8 राज्य कर्क रेखा और 5 राज्य है जो देशांतर रेखा है। दोस्तों भारत की जो अधिकतर नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि जब भारत का भूखंड जब कटा था दोस्तों, तो यहाँ पर एक भी कटान नहीं है। इसलिए कटान नहीं है कि अफ्रीका महादेश से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर भारत है जो घसका था, इसीलिए यहाँ पर है जो उसका जो खंड है जो यहाँ पर टूट गया है, और टूटने से है जो यहाँ पर एक भी है जो आपका कटान नहीं है। इसीलिए जो भी नदियां जो है इधर जो ढलान है पूरब की ओर ढलान है, इसीलिए जितना भी नदी है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, और अपवाद में जो नदी है नर्मदा ताप्ती नदी वो है जो पश्चिम की ओर बहती है। वो कैसे बहती है, सतपुरा के उत्तर और सतपुरा के दक्षिण, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए तटों से जो लगे राज्य हैं दोस्तों भारत के, 9 राज्य हैं, जिसमें गुजरात सबसे बड़ा एरिया है जो 1663 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। ये क्वेश्चन सब दोस्तों वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि गुजरात मारे कि आंध्र प्रदेश मारे, इसीलिए आप है जो जो क्लियर है, क्लियर कट जो क्वेश्चन पूछता है, जो कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। जो सीमा है, सीमा से 12 किलोमीटर तक है जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होता है, एक ये है जो अनक्लॉस एक 1982 में एक समुद्री सीमा के लिए एक है जो संगठन बना था, उसमें है जो इस चीज निर्धारण किया गया था कि कितना किलोमीटर होना चाहिए, तब 12 किलोमीटर। फिर 24 किलोमीटर तक है जो सीमा शुल्क और द्वितीय अधिकार होता है उस देश का, और वहां से 200 किलोमीटर जो होता है ई जोन होता है, जहां पर है जो आप है जो रिसर्च के लिए है जो आप वहां जा सकते हैं। तो यह है जो 12, 24 और 200 नॉटिकल मील की है, किलोमीटर नहीं है दोस्तों, यहाँ किलोमीटर लिखा गया, नॉटिकल मील इसको बोलते हैं। आप याद रखिएगा कि एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर होता है, आप है जो कमेंट में बता दीजिएगा, किलोमीटर नहीं है, आप है जो 12 नॉटिकल मील बोलते हैं, समुद्री सीमा को नॉटिकल मील से ही मापते हैं। तो आप है जो इस चीज का है जो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है दोस्तों की जो अपना जो ज्यादा जो क्वेश्चन है जो ट्रांस हिमालय जो आपका जो 4 भाग में बांटा गया, ट्रांस है, बृहत है, लघु और शिवालिक हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय से जो क्वेश्चन आता है वो है जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पिन प्रजार लगाने के लिए दे देता है क्रम में कि उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए, कि ये है जो कैसे कैसे इनका क्रम है। तो कल जाप याद रखिएगा, एक ट्रिक है, कल जाप, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पिन प्रजार। दोस्तों काराकोरम है जो पूरा 8611 मीटर है जो इसकी ऊंचाई है, तो उतना नहीं पढ़ना है आपको कि एकदम बच्चा वाला रूल कि नहीं 8611 किलोमीटर रखना नहीं है, कहाँ है याद रखिएगा। दोस्तों जो सिंधु नदी है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच है जो बहती है, ये ध्यान रखिएगा। और सिंधु कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये आपको बताना है कि सिंधु कहाँ से निकलती है और है जो कहाँ मिलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ले है जो दोस्तों लद्दाख और जास्कर श्रेणी को है जो जोड़ता है, यही है जो आपको ले है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी को जोड़ता है, या इसका मार्ग है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ देता है आपको कि सिंधु नदी है जो किस किन किन दो जो 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 पर्वत है जो किन किन पर्वतों के बीच है जो बहती है, तो लद्दाख और जास्कर ये है जो, और ले है जो, ये दोनों के बीच का मार्ग है या जोड़ता है उन को। दोस्तों भारत के कुल 17 राज्य है जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं, जो 17 राज्य है भारत के जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, इसमें दोस्तों स्थलीय सीमा और जलीय सीमा है जो आपको आप अपने स्तर से बना लीजिएगा कि कौन है कि स्थलीय सीमा से जुड़ता है और कौन है जो जलीय सीमा से जुड़ता है, कौन दोनों से जुड़ता है, ये है जो आपको आप अपने स्तर से बना लीजिएगा। 3 ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय से भी जुड़ते हैं, ये आप है जो 3 है, और 7 ऐसे हैं जो उनका है जो समुद्री और समुद्री मार्ग से जुड़ते हैं, जो आप सार्क पढ़े होंगे, सार्क का कुछ देश है उसमें, तो आप है जो उसको है जो एक बार देख लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहां से भी पूछ देता है। दूसरी बात है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर पाया जाता है, और ये गिर का गुजरात का इलाका जो गिर है
ये पूरा एशिया में यहाँ क्यों पाया जाता है आप है जो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, चार लाइन अगर आपको आएगा तो, क्यों पाया जाता है पूरा एशिया में एशियाई शेर जो है यही क्यों पाए जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, आपको एक क्वेश्चन ढूंढ के इसका आंसर देना है। चलिए दोस्तों आगे है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो सबसे पुरानी चट्टान जो है दोस्तों आर्कियन चट्टान है। कौन है? आर्कियन चट्टान है। ये पूछ देता है कि सबसे पुरानी चट्टान कौन है, तो वहाँ को डप्पा मारे कि आर्कियन माने कि धारवार मारे कि और है जो चट्टान के बारे में है वो मारे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आर्कियन है जो सबसे पुराना चट्टान है। कोयला जो पाया जाता है दोस्तों गोंडवाना जो चट्टान जो है उसमें पाया जाता है, एक्चुअली है जो ज्वालामुखी से निर्मित पार्ट जो होती है वो है जो इसमें पाया जाता है, और 98% कोयला है जो गोंडवाना लैंड में पाया जाता है, दामोदर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वहाँ पर। समृद्ध चट्टान किसको बोलते हैं, तो धारवार को समृद्ध चट्टान बोलते हैं जिसमें है जो मिनरल्स है जो जिसमें सोना चांदी कुलार उलार वाला जो एरिया है सब यही है ना, उसको समृद्ध चट्टान बोलते हैं। बिंध चट्टान होता है जिसमें है जो मकान बनाने के लिए जो भी यूज किए जाते हैं चूना पत्थर ये सब जो है उसमें बिंध चट्टान में पाए जाते हैं, तो आप है जो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। अच्छा बृहत हिमालय की जो मेन खासियत है कि दुनिया की 10 ऊंची चोटी है जो इसी में पाई जाती है, तो इसका भी है जो नंबरिंग के लिए दे देता है। अब क्वेश्चन इसी तरह से पूछने लगा है दोस्तों, तो एवरेस्ट कंचनजंगा मकालू धौलागिरी अन्नपूर्णा ये पांच का याद रखिएगा। एवरेस्ट तो याद है सबसे बड़ा है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये पाँच ही में से पूछ देता है कि कौन सा इसमें है जो क्रम से पूछ देता है कि कौन है जो दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर है, तो आप है जी उसको ध्यान रखिएगा। और जो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जो कंचनजंगा है जो सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, आप है जो उसको ध्यान रखिएगा। अभी एवरेस्ट अभी करंट का एक क्वेश्चन है कि 21 बार है जो कामिरीता है जो 21 की 22वां बार है जो एवरेस्ट आरोहण की है, तो आप है जो उसको भी ध्यान रखिएगा। भारत के कौन है जो अभी अनुरिमा सिन्हा है जो वो भी है जो चढ़ी है, उनका भी बुक है, तो आप है जो उसको भी याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें जोर के पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए लघु हिमालय जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। लघु हिमालय में दोस्तों क्या है, यहाँ जो मुलायम घास का मैदान जो होता है उसको मर्ग कहते हैं, जो वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है जो नीचे आते हैं उसको गुलमर्ग, गुलमर्ग एक जगह है दोस्तों वहाँ पर, इसी के नाम से वहाँ रखा गया है कि मर्ग जो पाया जाता है बड़े लंबे लंबे घास टाइप के होते हैं उसको मर्ग कहते हैं, वही उसको वहाँ के नाम से जो गुलमर्ग कहा गया है। और बनिहाल दर्रा है जो दोस्तों जवाहर सुरंग लघु हिमालय में है, यहाँ से एक NH गुजरती है, वो NH का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है कौन सी NH है जो इसमें गुजरती है। और जवाहर सुरंग का जो नाम है, जो जवाहर सुरंग का नाम है जो क्या कर दिया गया है चेंज करके, वो है वो भी आपको बताना है, जो आपका जो सबसे बड़ा टनल बनाया गया है, तो आपको यहाँ भी ये क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा यहीं पर है दोस्तों कि उत्तराखंड के जो घास का मैदान उसको बुग्याल या प्याल कहते हैं, जो उत्तराखंड का जो है जो घास का मैदान उसको बुग्याल या प्याल कहते हैं। तो ये सब जितना क्वेश्चन है दोस्तों उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, आप है जो इसको बढ़िया से एक बार है जो वीडियो को देखिएगा, नहीं तो पूरा किताब अगर पढ़िएगा तो फिर समय ज़्यादा है, आप पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ दोस्तों है कि आपने सिंधु सतलज काली तीस्ता और दिहांग, यहाँ पर है जो सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है दोस्तों, पंजाब हिमालय। सतलज काली के बीच में कौन सा हिमालय है दोस्तों, तो कुमाई हिमालय है। काली तीस्ता के बीच में कौन सा है, तो नेपाल हिमालय है। और तीस्ता दिहांग के बीच में कौन है, तो असम है, असम हिमालय। इस क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से हिमालय है जो कहाँ पर, ये कौन सी नदियों के बीच में है, तो एक ट्रिक है पंकु नया, याद रखिएगा पंकु नया। और इसमें जो नेपाल हिमालय की जो है जो चौड़ाई है जो सबसे ज्यादा है दोस्तों, जो 800 किलोमीटर है, तो पूछ देगा कि किस हिमालय की है जो विस्तार सबसे ज्यादा है, तो आपका नेपाल हिमालय का है जो 800 किलोमीटर, उसके बाद असम हिमालय है 720, और उसके बाद कुमाऊं हिमालय है। तो एक याद रखिएगा सिंधु सतलज काली तीस्ता और दिहांग, ये है जो पूरा आपका हिमालय का पार्ट ही है दोस्तों, उसको है जो बंटवारा कर दिया गया है, और उसको है जो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है जो उसका नाम दे दिया। एक्चुअली जो हिमालय का विस्तार है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर जो है
जो विस्तार है, और लास्ट में जो शिवालिक हिमालय है उसका है जो छोटा छोटा पार्ट हो गया है, वहाँ सिमट गई है, और वही है जो दोस्तों नीचे है जो आपका म्यांमार तक पहुँच गया है हिमालय का विस्तार। तो वही वहाँ पर जो है जो आपका जो तीस्ता और दिहांग के आसपास जो असम हिमालय है वहाँ पर ही है, जो वहाँ का जिला का नाम जो है अरुणाचल प्रदेश में वो है जो हिमालय के पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो इसीलिए वहाँ पर जितना भी है छोटा छोटा है जो सिकुड़ गया है वहाँ पर जाने के बाद। तो आप है जो थोड़ा सा इसको मैप में भी, आप मैप से भी पढ़िए तो आपको अच्छा होगा। अच्छा दोस्तों, सिंधु कहाँ से निकलती है? तो चेमायूं ग्लेशियर से है जो ये है जो निकलती है, और है जो ये है जो पाकिस्तान में है जाके मिल जाती है, मिठानकूट के पास बोला जाता है कि वह परहेज जाके अरब सागर में है जो गिर जाती है। सतलज क्या है दोस्तों? राक्कस ताल से निकलती है और इस सभी श्रेणियों को काटते हुए जाती है। ये ध्यान रखिए कौन सी नदी है जो सभी श्रेणियों को काटती है, तो आपका सतलज है। तो ये भी है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों मैं वही क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत है पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन जो क्वेश्चन जो आ रहा है जो ट्रेंड हो गया है जो एसआई का जो ट्रेंड पूछने का हो गया है जो पिछले बार जो मेंस का था उस ट्रेंड है जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। तो आप है जो एनसीईआरटी को नहीं पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए कि लुसेंट में उतना नहीं लिखा हुआ है और क्वेश्चन है जो अब एनसीईआरटी से आ रहा है कोई भी एग्जाम में, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सियाचिन में दोस्तों एक नुब्रा नदी बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि नुब्रा नदी कहाँ बहती है, तो सियाचिन में बहती है, और वहीं पर है दोस्तों जो ऑपरेशन मेघदूत के जरिए है जो वहाँ पर है जो भारत है जो 1984 में उस चीज़ को जो जो चेक पोस्ट था उस चेक पोस्ट को है जो वहाँ है जो उसको है जो चाइना के जरिए है जो लिया था 1984 में, तो ध्यान रखिएगा। वहाँ जेमू ग्लेशियर के बारे में पूछ देता है दोस्तों, तो जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम भारत का 22वां राजा और 1975 में है जो जनमत संग्रह से भारत में मिला था, और उसमें चोग्याल वंश का शासक था वहाँ। तो आप है जो इसको भी ध्यान रखिएगा। मिलान ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है मिलान ग्लेशियर? उत्तराखंड में है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ इसीलिए मैं यहाँ रख दिया। भारत की अधिकतर नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो बता दिए। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ नर्मदा ताप्ती के लिए एक हम बना दिए हैं कि ये सतपुरा है और सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है, तो सतपुरा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। पूछ देता है क्वेश्चन कि जो सतपुरा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो इसके अनुसार से हम क्वेश्चन है जो इस तरह से एक है जो बना दी है कि आपको याद रखे कि उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती, एन से नर्मदा आईएन से नॉर्थ, याद रखिएगा। और ये नर्मदा है दोस्तों जो भरूच के पास मिलती है और ताप्ती है सूरत के पास, दोनों मिलती है और दोनों है जो ये पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए है जो इसका जो यही दो नदी है अपवाद में नदी जो है जो पश्चिम की ओर बहती है और एक खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अच्छा सतपुरा जो है दोस्तों, सतपुरा का जो अन्य तीन पहाड़ी है राजपिपला महादेव और महकाल पहाड़ ये है, और जो सतपुरा का जो ये तीन है उसमें है जो सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत है, आप है जो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका नर्मदा के पार्ट, जहाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इसीलिए कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो आप है जो आराम से हमारे, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप है जो आराम से बना सकते हैं। अच्छा कहीं क्वेश्चन नीलगिरी का जो विस्तार पूछ देता है कि नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसका विस्तार तीन राज्यों में है, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा जो नीलगिरी का जो विस्तार है वो है जो आपका तीन राज्यों में तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है और ये कडाकम की पहाड़ी है दक्षिण में, और उत्तर में है जो आपका पालनी, ऐसे उत्तर पूर्व पालनी की पहाड़ी है, तो आप है जो ध्यान रखिएगा उसको, उत्तर पूर्व में है जो पालनी की पहाड़ी है, पालनी में ही कोडाई कनाल वहाँ है जो एक पर्यटक स्थल है। ये पूछ देता है कोस्ट कोडाई कनाल कहाँ है, पालनी तो तमिलनाडु में, तो ये है जो इसको ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ब्यास जो नदी है ये जो सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा सिंधु नदी तंत्र की यही एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान है जो नहीं जाती है, ये पंजाब के कपूरथला के पास सतलज में मिल जाती है, और सतलज है जो फिर है जो वहां जाकर
मिलती है फिर उससे, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ब्यास नदी है रोहतांग दर्रा से निकलती है, और रावी और ब्यास दोनों है जो रोहतांग दर्रा से निकलती है। आपको क्वेश्चन बताए थे कि जो राक्षस ताल है सतलज, ये क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि कौन सी नदी है जो कहाँ से निकली है, बेरीनाग है जो आपका झेलम, ये सब क्वेश्चन है जो आप है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। अच्छा, सिंधु जल समझौता जो हुआ था दोस्तों 1960 में, वो वर्ल्ड बैंक के जो मध्यस्थता किए थे रॉबर्ट ब्लैक साहब, वो उन्होंने है जो इस समझौते का है जो प्रारूप तैयार किया था, पश्चिम और पूर्व की नदियों को बांटकर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। उसमें क्या था दोस्तों कि जो पश्चिम की जो नदी थी उसमें है जो 80% भाग पाकिस्तान यूज करेगा जल का, और 20% है जो भारत करेगा, और जो पूर्व की नदी है उसमें 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा, इस तरह से बंटवारा हुआ था। तो जो पश्चिम की नदी थी वो सिंधु झेलम और चिनाव थी, और जो पूर्व की नदी थी उसको एक शराब ट्रिक रखिएगा, सतलज रावी और ब्यास, ये भारत की पूर्व की नदी है। अभी बहुत सारा चीज है जो वहाँ जो डैम बन रहा है तो उसके लिए जो बार बार यूएनओ में लेकर चल जाता है पाकिस्तान की, अगर बांध अगर बना रहे हैं, अगर बाई चांस कभी अगर बांध टूट गया तो पाकिस्तान है जो पूरा डूब जाएगा, तो इस माध्यम से है जो भारत है जो भारत को बार बार ब्लेम करता है कि आप है जो मत बनाइए बांध। तो ये कोई भी आर्थिक विकास के लिए तो कोई रुकेगा नहीं, तो यही सब है जो वहाँ चल रहा है। और अभी आप देखे थे कि राजस्थान का एक जो चुनावी रैली था उसमें नरेंद्र मोदी बोले थे कि सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया जा सकता है। इसका हमेशा बैठक होती है दोस्ती, हर साल बैठक होती है, अभी 115वीं या 116वीं बैठक अभी हाल फिलहाल में हुई थी इस्लामाबाद में। इसके लिए पूरा कमिटी बनाया गया है, आप जब सिंधु जल समझौता पढ़िएगा तो उसमें है जो पूरा है जो आपको उसमें बताया जाएगा। उसमें है दोस्तों कि एक क्वेश्चन बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन रहता है कि देव प्रयाग किसको कहते हैं, रुद्र प्रयाग किसको कहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन देव प्रयाग से पूछता है। तो ए प्लस बी बराबर डी, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी और डी से देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलता है तो देव प्रयाग बनता है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको बता दिए थे इसमें। अच्छा, लक्षद्वीप के बारे में हम दोस्तों एक बता रहे थे कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है तो नीचे में लक्षद्वीप के लिए मालदीप तो यहाँ पर ही है, तो मालदीप और मीनिकाय के बीच में 8 डिग्री मैंने नीचे से चलिएगा, कोई भी चीज जो होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तब ना होगा, ऊपर बढ़ते जाएगा वो। तो मालदीप से मीनिकाय 8 डिग्री, मीनिकाय से लक्षद्वीप 9 डिग्री, 10 डिग्री तो बता दिए थे कार निकोबार से ग्रेट, वो तो बताए थे आपको जब हम पीछे पढ़ा रहे थे, तो आप है जो उसको देख लीजिएगा, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री यहाँ पर ही। तो 11 डिग्री भी अमीनी द्वीप से कन्नौर द्वीप उसको बोलते हैं उसको 11 डिग्री को, तो मेन 8, 9 और 10 ही पूछता है। 8 है जो मालदीप, तो याद रखिएगा भारत के नीचे मालदीप है, मालदीप है जो इधर है जो अरब सागर में है, तो अरब सागर में कौन है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है तो वहां पर क्या है, मीनिकाय है, मीनिकाय द्वीप है, याद रखिएगा नीचे मालदीप तो ऊपर मीनिकाय, और लक्षद्वीप उसके ऊपर है, तो 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये है जो आप क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। अच्छा, लक्षद्वीप में है जो सबसे बड़ा द्वीप है आंट्रेड द्वीप है वहां पर, और वहाँ की जो भाषा है मलयालम है, और ये जो लक्षद्वीप जो बना है ये मूंगा चट्टान से पूरा बना हुआ है। एक्चुअली मूंगा चट्टान उसको कहते हैं दोस्तों जहाँ पर पानी जो है थोड़ा छिछला टाइप का रहता है वहाँ पर ही, और वो जो मूंगा जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट एक दूसरे को खाते 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 उस पर मूंगा का निर्माण हो जाता है, और उसी से निर्माण है जो प्रवालकृति का जो निर्माण है जो पूरा है जो आपका लक्षद्वीप का हुआ है, जो आपका भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश में है उसको बोला जाता है। अच्छा, मीनिकाय वहाँ पर एक जगह है, मीनिकाय जो द्वीप है दोस्तों वहाँ पर एक जो महल भाषा बोली जाती है जो देवी लिपि में लिखी जाती है, एक्चुअली ये मालदीप की भाषा है, एक्चुअली देवी है जो मालदीप की भाषा है। और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप, और यहाँ एक एयरपोर्ट भी है जिसको लाहाता करके कुछ नाम है, वहाँ पर एक एयरपोर्ट है तो उसको बोला जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं छोटा छोटा करके 3-4 चैप्टर में ज्योग्राफी और उसको ख़त्म कर दूंगा, और आप इसी तरह मेरे साथ चलते रहिए, अगर अच्छा लगे तो आप है जो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आज लिखे हैं दोस्तों, उस क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, जो इसमें है जो कुछ क्वेश्चंस है
जो क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं लिखे हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन है जो फिर मैं बाद में कराऊंगा, जब 50 क्वेश्चन हो जाएगा। मैं 25 ही क्वेश्चन लिखा हूँ, 50 हो जाएगा तो मैं आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लाइए कुछ कर ही देते हैं जो मेरे पास जो लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ उसको मैं पढ़ ही देता हूँ, क्या कि इससे है जब 25 अपना जो रहेगा उसका पूरा चलेगा। पुताई में काम आने वाला चूना को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कहा जाता है। लिविंग विथ द ऑनर किसकी कृति है? तो शिव खेरा की कृति है। लिविंग विथ द ऑनर किसकी कृति है? तो शिव खेरा की। नरेश चंद्र समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत पहले किया गया था। शब्दावली ओवर गियर्ड कंपनी का अर्थ क्या होता है? जो कंपनी कर्ज में होता है ना, उसको ओवर गियर्ड कंपनी कहा जाता है। ओवर गियर्ड कंपनी कहा जाता है जो कंपनी कर्ज में होता है। मैक्स वेबर के अनुसार जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो सहभोजिता और वैवाहिकता जो था इसकी मुख्य विशेषता था, मैक्स वेबर के अनुसार। ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है, पिछले बार बिहार में भी आया था ये क्वेश्चन। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर है जो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो शून्य हो जाता है। ताप के बढ़ने पर जो विस्कोसिटी श्यानता क्या होता है? गैस की बढ़ती है और द्रव की घटेगी। ये क्वेश्चन है जो ये सब अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म को पीले रंग की बोतल में ऊपर तक क्यों भरा जाता है? इसलिए भरा जाता है कि फॉस्चिन गैस बनने से रोकने के लिए। आइसोटोन किसको कहते हैं? जिस समान संख्या में जिसकी न्यूक्लॉन होती है उसको है जो आइसोटोन का। समस्थानिक संभारिक तो जानते हैं, समान परमाणु क्रमांक संख्या समान, और भिन्न संख्या तो समस्थानिक, और भिन्न अगर परमाणु संख्या है तो है जो संभारिक कहते हैं उसको। मांग का नियम किसको बताता है? तो कीमत पूर्ति से विपरीत रूप से संबंधित होता है। जो मांग है उसका नियम जो है वो किससे रिलेटेड, जो क्या बताता है? तो कीमत जो है पूर्ति से विपरीत रूप से संबंधित होता है, उसे है जो मांग का नियम है। कौन दिया था आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसको। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ का निर्धारण कैसे हो सकता है? तो ये संभव ही नहीं है, असंभव है। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण है जो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो एक आपको बताना है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में आप। हिमालय की अस्थाई हिमरेखा पाई जाती है कितना पर? 6500 मीटर पर पाई जाती है अस्थाई, और औसत हिमरेखा है जो 4000 मीटर है। आप ध्यान रखिए हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। आप जो तीनों क्वेश्चन है जो है जो पूछता है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा जो होती है किसमें होती है? पीटवा लोहा में होती है। आप है जो ध्यान रखिएगा। शुद्ध रेशम का तंतु होता है वो कैसा होता है? सख्त होता है। मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा मिलती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1802 में बसीन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव के द्वितीय के बीच हुई थी। कौमी आवाज जो पत्र है किसने आरंभ किया था? तो जेएल नेहरू ने किया था कौमी आवाज। सोडियम सोडियम स्ट्रेट जो है एक अपमार्जक है, अपमार्जक के रूप में काम करता है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग के साथ संकलन कार्यालय है? तो संस्कृत के, संस्कृति जो मंत्रालय है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ है जो मिलकर काम करता है। तो यह है जो 25 क्वेश्चन था, 20-25 क्वेश्चन मैं इसको दिया हूँ। थोड़ा और क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों, थोड़ा और है जो उसको मैं दे देता हूँ कौन कौन सा है। जो मूंगा रेशा है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। सामनांतर फसल का उदाहरण क्या है? तो गेहूं प्लस सरसों को सामनांतर फसल कहते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल का विभाजन किया जाता है? तो केवल समसूत्री सेल का विभाजन है जो किया जाता है। मानव जीवोम जो है उसका एक है जो फसली भूमि है जो उसका उदाहरण के रूप में देखा जाता है। विश्व का पहला बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो रूस में किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जन्मदाता है वो कहाँ का निवासी था? वो अमेरिकी निवासी थे। और रिसर्च कहाँ किए थे? मैक्सिको में। प्रसारी विश्व की संकल्पना किसके द्वारा होता है? तो डॉपलर इफेक्ट जो होता है उसके द्वारा प्रसारी विश्व की संकल्पना की जाती है।
किसने जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान दोनों में शोध किया? तो जगदीश चंद्र बसु ने किया था। ऑक्टियोपटेरिस किस वर्ग की करी है? तो सरीसृप एवं पक्षी की है। करीब करीब हो ही गया दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह से कल फिर है जो आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। ओके।